मुझे पता है कि लोग मुझे हिंदुस्तान का पैडमैन समझते हैं अब, क्योंकि मैं ये फिल्म कर चुका हूँ पैडमैन। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे मैं अरुणाचलम मुर्गनाथम के ऊपर मैंने फिल्म बनाई, उसका किरदार मैंने कॉपी किया, वैसे ही मैं आज आप लोगों को 9 लोगों से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से वो 9 लोग असली रियल सुपर पैड दे आर। आई थिंक अभी से मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि चलिए मैं कहूंगा क्या, उनसे आपको मिलाना चाहता हूं सीधे। उनसे आप मिलिए, उनकी बातें सुनिए, what things they have done in their life। सैनिटरी पैड बैंक ये डिजिटल निकाली है क्योंकि मैंने जब सर्वे किया था तो मुझे झोपड़पट्टी में, चाल में और थोड़ा सा मिडिल क्लास में भी, मुंबई जैसे शहर में भी दिखाई दिया था कि आज भी हमारी महिलाएं, लड़कियां दुपट्टा या कपड़ा यूज करती है। फिर मैंने ज़्यादा सर्वे किया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत आगे जा रहा है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने डिजिटल पैड बैंक निकालने की हमने निर्णय लिया। और आज आपको बताऊं कि आज हमारे डिजिटल ये सैनिटरी पैड बैंक के माध्यम से अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे बाहर की कंट्रियों से भी डिमांड होती है कि हमें सैनिटरी टॉवेल्स बोलते हैं वहाँ पे अफ्रीका में, उन्होंने कहा कि हमें प्लीज़ भेजिए। और कनाडा, यूएस जैसे कंट्रीज से हमें डोनेट होते हैं पैड्स, इसलिए ये डिजिटल पैड बैंक वर्ल्ड वाइड हो गई है क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। ओनली दैट, वंस वी वेंट टू स्कूल्स, टीचर्स बात नहीं करते थे, जब भी हम लोग शब्द जैसे कहते हैं कि वजाइना या यूट्रस, द टीचर्स वुड बी लाइक श, प्लीज स्किप। एंड आई फील हमने वी चेंज द प्लान, इंस्टेड ऑफ डूइंग विद स्कूल स्टूडेंट्स मोस्टली, वी स्टार्टेड डूइंग टीचिंग ट्रेनिंग्स विद टीचर्स, सिटिंग विद पेरेंट्स, एंड देन वी गॉट मोर पेरेंट्स इन्वॉल्व। वी डू सेशंस विद बॉयज, विद गर्ल्स, with people of other genders, because everyone needs to be represented. We also do with parents, ladies from self-help groups, because a lot of other problems do stem up from menstruation. So we talk about cervical cancer, a lot of things, and we realize that there are women out there. Aise cases have we met a mother, she's had 3 children, and they have had no idea that menstruation is linked to pregnancy. So I conducted a lot of sessions with the girls and their mothers, एंड वो मुझे ऐसी बातें बता देते थे। वन ऑफ देम टोल्ड मी कि दे एक्चुअली डू वॉन्ट टू बाई द सैनिटरी पैड्स, बट देयर हस्बैंड्स एंड देयर मदर इन लॉज डोंट अलाउ देम। व्हाट दे हैव टू डू इज दे हाइड मनी फ्रॉम द वेजिटेबल्स दैट दे बाय, दे सेव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, एंड देन दे गो टू देयर फ्रेंड्स प्लेस एंड दे बाय पैड्स एंड दे कीप इट ओवर देयर, एंड देन व्हेन दे हैव टू चेंज द पैड्स दे गो ओवर देयर। सो द वुमेन आरंट अलाउड टू यूज पैड्स बाय देयर मेन, because they feel that it's a waste of money, and if they cannot control the bleeding on their own, then the men can't do anything about it, but they cannot waste money on the sanitary napkins. Awareness is spread by giving. If you do not give, there is no awareness. Secondly, we have to teach them. We have to go to the slums, we have to teach them, go to grassroots level, give them a little comfort. Where will a 11 to 14 year old girl go to earn for a pad? So you have to give them free, my dear. Secondly, the most touching incident in my life is we were passing through a garbage and we saw 2 girls picking up sanitary napkins from the dustbin. So we stopped the car and we asked, "Beta, what are you doing?" She said, "In the synthetic world, we do not have cottons. So every month we collect used sanitary napkins, wash them and wear them." Isn't that a touching incident? Don't you think we all should adopt 5 girls? If India's population gives 5 girls a sanitary pad and 2 underwears, can you think of the revolution? Can you think of what will happen to India? It will definitely turn to 80. First of all, it is same the way we are breathing, we are sweating. Menstruation is like a biological process, same way.
एंड द अनदर थिंग इज़ लड़कों को यही बताना चाहूँगी कि उन्हें मतलब समझना पड़ेगा कि हम दो डिफरेंट कैसे हैं. प्यूबर्टी क्या होता है, वहाँ से शुरू होता है. ग्रोथ कैसे होती है, जब वो समझेंगे कि सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, लेकिन उनके बॉडी में भी जो चेंजेस हो रहे हैं वैसी लड़कियों के भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इट्स सेम बट इट विल टेक टाइम. पेरेंट्स को भी बीच में आना पड़ेगा, टीचर्स को भी आना पड़ेगा. हम लोग सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं देते हैं. एक्चुअली ये बुक इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि US में ना हर चीज़ के लिए बुक होती है. स्टोरी बुक से शुरू होता है, फिर आपके धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए बुक्स होती है. इंडिया में कुछ नहीं होता. पेरेंट्स ना सेक्सुअल अवेयरनेस देते हैं बच्चों को, ना मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस देते हैं. फिर वो बच्चे जहाँ से भी सुनते हैं वो नेगेटिव सुनते हैं, उनको कहीं से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर है कि मिल जाए. तो उसके लिए अभी जब ये बुक लॉन्च हुई तो पेरेंट्स बोलते हैं अब हम बच्चों के साथ इजीली बात कर पा रहे हैं कॉमिक के थ्रू. माय मेन फोकस वाज टू अवेयर देम. देन आई केम बैक होम, माय मदर टोल्ड मी यू गो अहेड, यू बाय सम गुड कॉटन क्लोथ्स और कुछ कॉटन एंड देन वी सी व्हाट वी कैन डू. तो माय फेस की वो जो महिलाएं हैं गाँव की वो मेरे पे डिपेंडेंट ना हो, वो अवेयर्ड हो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था. And you won't believe, still people over there, they were preferring to use husk, hay, or हम लोग अपने tribal language में छाउड़ कहते हैं, जो जो ash होता है, जो आप जब खाना बनाते हैं चूल्हा से जो निकलता है, तो वो use कर रहे थे. और 10 में से 8 महिलाओं को उस गांव में heavy uterus inspection था. But right now, if you come to that village and you speak, each and every single lady will explain you what is UTI and RTI, reproductive tract infection and urinary tract infection. And of course, your movie done a great magic. लोग वहाँ पे particularly उस गांव के लोग बहुत दुआ देते हैं. मैं जब 7th क्लास में पढ़ रही थी उसी वक्त मेरा पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ था, तो मैं उस वक्त बहुत डर गई. और फिर मैं इसके बारे में मेरे मैम से बताया और मेरे मैम ने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया, तो मेरे माता पिता स्कूल पर आए और मुझे स्कूल से घर ले गए. तो स्कूल से घर लेते वक्त जब हम रास्ते पे जा रहे थे उसी वक्त मेरा चेहरे को एक चादर से ढक दिया गया था, जिसे वजह से मैं बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं देख सकती थी. और सब लोग मानते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई भी लड़की अगर पहली बार मेंस्ट्रुएशन होती है तो वो लड़की अगर किसी पुरुष या लड़कों का चेहरा देखेगी तो उस पुरुष या लड़कों का आयु कम हो जाती है. इसकी वजह से उस लड़की का चेहरे को चादर से ढक दिया जाता है, जिसके वजह से वो बाहर की कुछ चीज़ नहीं देख सकती है. तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था. फिर हम घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद हमारे घर के एक स्टोर रूम थी, मुझे वहाँ पर रखा गया. क्यों ना, अगर मैं जिस घर पे मेरे माँ बाप सब रहते हैं वहाँ अगर रहूँगा तो हमारे पड़ोसी हमारे घर पे हर समय विजिट करने के लिए, देखने क्या बात करने के लिए हमारे घर आते हैं. तो वो अगर मैं उस घर में रहूँगी तो किसी ना किसी का चेहरा तो मेरे आँख के सामने आ जाएगी. तो उसके वजह से मुझे स्टोर रूम में रखा गया. औरतों की समस्या को लेकर हमारा काम चलता है. तो 3 साल पहले हमने ये जो मुर्गानाथन सर है, एक कॉलेज में लेक्चर था मुंबई में, नीरजा मैम ने वहाँ बुलाया था. वहाँ मैं भी स्पीकर पे बोलने के लिए गई थी लेक्चर बनके, तो उनका स्टोरी सुना था. लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है जितनों ने बताया. जब भी पीरियड की बात करो तो सब बोलते बाप रे क्या पागल हो गई, इसको शर्म नहीं आती, किधर आ गई, ये वो क्या क्या. जब हमने शुरुआत किया तो लड़कियों को बुलाया तो किसकी नानी आ गई, किसकी दादी आ गई, किसकी माँ, बोले तेरे को तो शर्म नहीं आती, इधर उधर कुछ भी बोलती, हमारे बच्चे लोग को तूने क्या सिखा दी, क्या बोल दी, ये पैड के बारे में बोलना जैसे किसी का मर्डर कर दिए, घर में छुपा दो छुरा, मत बताओ किसी को ये पैड है ये पीरियड. हमें बहुत टाइम लगा, 3 साल हुआ हमारा. हमने मैना महिला फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन है, मैना इसलिए रखा है क्योंकि मैना तोता जो परिंदा है बहुत बोलती है, पता होगा आप सभी को. तो हम चाहते हैं हर एक औरत मैना की तरह बोले महीने के बारे में, वो छुपा कर ना रखे. जिस औरत को पीरियड आता है वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है, क्योंकि वही पीरियड के जरिए उसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, वो है माँ. करेंटली इन इंडिया द पैड्स इन मोस्टली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर यूजिंग जेल शीट्स. जेल शीट्स इंटरनेशनली आर नॉट अलाउड. They are not good for your health. Fibers has already been spoken about by various people here. Fibers again that are used in the pads are not safe.
when you talk about the cellulose coming out of sugarcane, it is 100% safe. It is cellulose. This pad that I made. You're carrying it? Yeah. So okay. It's as thin as this, quite light. And I haven't used any chemical in this. It's a basic format. I have boiled the sugarcane waste. I've grinded it. I have made a sheet out of it. And then I have used tragacanth gum and fuller's earth, which in Ayurveda, as you have Multani mitti or gond katira. Gond katira is basically a substance. If you powder it, if you pour water into it, becomes a gel. So, what will the price be? This will be 1 rupee per pad.